हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। इंडियाज मोस्ट वांटेड इस शो का नाम तो आप सबको याद ही होगा। एक वक्त ऐसा था जब ना केवल ये शो बल्कि इसका एंकर सुहैब इलियासी भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। सुहैब एक ऐसी हस्ती थे जिसने क्राइम शो का इंडिया में आगाज किया, पर अंजाम ने उन्हें जेल तक पहुँचा दिया। जितनी दिलचस्प तरीके से वो क्राइम स्टोरीज को पर्दे पर दिखाते थे, उतनी ही उलझी हुई उनके लाइफ में एक मर्डर मिस्ट्री हुई जिसने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। चलिए, अगर आप इस शख्स की कहानी भूल चुके हैं तो मुझे इसे बताने में खुशी होगी। सुहैब इलियासी का जन्म 8 सितंबर 1966 को हुआ था। वो जमील इलियासी के बेटे हैं जो ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। सुहैब के पिता और भाई दोनों आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी करीबी थे। सुहैब जब जामिया मिलिया इस्लामिया से 1989 में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात अंजू से हुई जो सेम कोर्स कर रही थी, और उनके पिता केपी सिंह वहां के मेटलर्जी डिपार्टमेंट के हेड थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन परिवार शादी के खिलाफ था क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था। अंजू जब आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गई तो वहां जाकर इन दोनों ने 1993 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। वो 1994 तक लंदन में रहे। इंडिया लौटने पर अंजू इलियासी के घर 6 महीने तक रही और फिर अपने भाई के पास लंदन लौट गई। उनके भाई का कहना था कि इलियासी और अंजू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और अंजू डिवोर्स चाहती थी, लेकिन एक दोस्त के हस्तक्षेप से 1994 में दोनों ने पैचअप कर लिया और दोनों साथ इंडिया लौट आए। इंडिया आने के एक साल बाद दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने आलिया रखा। जब वे लंदन में थे तो वहाँ वे एक शो देखा करते थे जिसका नाम था क्राइम स्टॉपर्स। इस शो से उन्हें इंडियाज मोस्ट वांटेड का आइडिया मिला। शुरुआत में तय हुआ कि अंजू एंकर बनेंगी, पर जब 1998 में जी टीवी पर यह शो एयर हुआ तो इलियासी अचानक से एंकर बन बैठे। अंजू इस बात से नाराज होकर अपनी बहन के पास कैनेडा लौट गई। जी टीवी पर यह शो 52 एपिसोड का आया और जी टीवी इसकी पॉपुलैरिटी देखकर इसे रिन्यू करना चाहती, पर सुहैब ने इस शो को दूरदर्शन पर शिफ्ट कर लिया और जी टीवी के कॉपीराइट होने के कारण इसका नाम बदलकर फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड रख लिया। जी टीवी ने अपना यह शो बंद नहीं किया और उन्होंने इस शो को इलियासी के बिना कंटिन्यू रखा। इसके एंकर बाद में मनोज रघुवंशी बने। 1998 में इलियासी अंजू को मनाने कनाडा गए और वहां जाने से पहले उन्होंने आलिया प्रोडक्शन के नाम से एक कंपनी शुरू की जिसमें अंजू के नाम पर उन्होंने 25% का शेयर रखा। सुहैब का शो इंडियाज मोस्ट वांटेड इतना थ्रिल्ड कर देने वाला शो था कि इसकी टीआरपी 10 से 12 रहती। इसका फॉर्मेट इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया था कि शो के जरिए लगभग 30 अपराधी पकड़े गए थे और एक अपराधी एनकाउंटर में भी मारा गया था। 1999 को अंजू इंडिया वापस लौटी और मयूर विहार ईस्ट दिल्ली में खरीदे अपने नए घर में वो दोनों शिफ्ट हो गए। अंजू 30 साल की होने वाली थी और उनका ग्रैंड बर्थडे मनाने का प्लान था। 10 जनवरी 2000 को इलियासी ने रात के 11:15 बजे अपने घर की पहरेदारी कर रहे दो पुलिस कांस्टेबल को अंदर बुलाया और कहा कि अंजू ने खुद को गुस्से में चाकू मार लिया है और उन्हें एम्बुलेंस को कॉल करने को कहा। वे कांस्टेबल वहां इसलिए थे क्योंकि इलियासी का कहना था कि शो के कारण उन्हें अंडरवर्ल्ड से काफ़ी धमकी मिल रही थी। अंजू को एम्स ले जाया गया पर वो बच ना सकी। 17 जनवरी को पुलिस ने सुसाइड का केस दर्ज कर लिया और केस को बंद कर दिया, लेकिन 15 फरवरी 2000 को अंजू की बहन रश्मि सिंह ने इलियासी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन की और उस पर डाउरी और मेंटल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया। अंजू का मर्डर करने के बाद एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी आरोप था। इलियासी की बेटी आलिया उस वक्त महज 2.5 साल की थी और कोर्ट ने आलिया को दिल्ली में ही रखने का आदेश दिया। 2 जून 2000 को इलियासी को बेल मिली पर उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया। दिल्ली कोर्ट के प्रोसीजर्स चलते रहे और 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी के मर्डर में कन्विक्टेड होने का फैसला सुनाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। दिल्ली कोर्ट की सजा से खुश ना होकर इलियासी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली कोर्ट को ही अप्रोच करने की सलाह दी। 18 साल के लंबे बैटल के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इलियासी को हत्या का दोषी केवल अनुमान पर माना गया था और उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। 2018 में इलियासी को नॉट गिल्टी माना गया। इलियासी अपना 18 साल खो चुके थे, लेकिन वह अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तिहाड़ जेल से बाहर आकर उन्होंने यह सीखा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है। उन्हें जेल में रहकर गीता और उपनिषद पढ़ने का मौका मिला। अब वो गीता और उपनिषद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं
और फिर से इंडिया मोस्ट वांटेड जैसा शो शुरू करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।